हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिंपल एंड यूनिक किचन में। मेरा नाम है शालिनी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इडली ढोकला बनाना बताऊंगी। इसको मैंने ना तो इसमें मैंने दही का इस्तेमाल करा है, ना नींबू का, ना इनो का, फिर भी मैंने सॉफ्ट और मुलायम इडली ढोकला बनाना बताया है। इसको आप एंड तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम इडली ढोकला बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक बाउल बेसन लिया है। इसे हम एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें हाफ बाउल सूजी डाल देते हैं। एक बाउल बेसन में हम हाफ बाउल सूजी लेते हैं और इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं। ये दोनों हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल देते हैं और इसमें अब हम सॉल्ट पाउडर डालते हैं। अगर आपके पास सॉल्ट पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप टाटरी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ स्पून के लगभग हम इसमें सॉल्ट पाउडर डाल देते हैं और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। ये हमारी सब अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें पानी डालते हुए इसका पेस्ट बना के तैयार करते हैं। अपना ढोकले या इडली का बैटर बना के जो है हम तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए हम इसका बैटर जो है बनाकर तैयार करते हैं। अच्छे से इसे मिक्स करते जाते हैं। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमें इस बैटर की कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है, कितना आप गाढ़ा पतला इसे रखना होता है और इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। हमें इसे जब तक चलाना होता है तब तक कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रह जाए, बिल्कुल ये एकदम सॉफ्ट स्मूथ हो जाए, तब तक इसे हम चलाते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हैं। ये देखिए हमारा एकदम स्मूथ हो गया, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रह गए हैं और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल ठीक हो गई है। अब हम इसे ढककर साइड से रख देते हैं। लगभग 15 मिनट के लिए इसे हम ढककर साइड से रख देते हैं। 15 मिनट बाद हमारा बैटर जो है ढोकला इडली बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, एकदम सेट हो जाता है। इसे अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से चलाते हुए इसे मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा सब अच्छे से मिक्स हो गया है बिल्कुल। अब हम इधर ढोकला बनाने का, इडली बनाने का जो स्टैंड होता है वो गैस पे रखते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं और इसे पानी को गर्म होने देते हैं। और इधर हमने जो बैटर तैयार किया है उस बैटर में से हम एक बाउल में थोड़ा बैटर पहले निकालते हैं। जितना हमें पहली बार में इडली बनानी है ढोकला इडली उतना हम बैटर निकाल लेते हैं और इसमें अब हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं। बेकिंग सोडा हम इसमें डाल देते हैं और बेकिंग सोडा डाल के इसे एक साइड से चलाते रहते हैं एक तरफ से। ये देखिए इस तरीके से हम इसे चलाते रहते हैं। ये कितना फूल के आ रहा है आप देख सकते हैं। इसे अभी हम थोड़ा साइड से रख देते हैं और अपना इडली बनाने की जो प्लेट्स होती हैं वो हम लेते हैं और उसमें सारी प्लेट्स में हम जो है ऑयल थोड़ा थोड़ा लगा लेते हैं चारों तरफ अच्छे से और इसे ग्रीस कर लेते हैं इन्हें। ये हमारी ऑयल से अच्छे से ग्रीस हो गई है। अब हम बैटर लेंगे जिसमें हमने सोडा डाल के रखा है अभी साइड से, जो हमने थोड़ा सा बैटर लिया था, और इस बैटर में से एक एक स्पून लेते जाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए एक एक स्पून लेते जाएंगे और इन्हें फिल करते जाएंगे अपने इडली स्टैंड को, अच्छे से इन्हें फिल करते जाते हैं। ये हमने सब फिल कर ली है, सारी प्लेट्स फिल हो गई है हमारी। अब हम इधर हमारा जो पानी हमने गर्म करने के लिए रखा था वो भी हमारा पानी जो है इतनी देर में हमारा गर्म हो जाता है और इन प्लेट्स को ले जाके अब हम अपनी स्टैंड में रख देते हैं और इसे ढक देते हैं, इसे बंद कर देते हैं इस तरीके से और इसे मीडियम गैस पे 15 मिनट के लिए पकने देते हैं। गैस पे ही छोड़ देते हैं 15 मिनट बाद हम गैस जो है अपनी बंद कर देते हैं और 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, बंद ही छोड़ देते हैं। 5 मिनट बाद हम इसका ढक्कन हटा के देखेंगे। ये हम हटा के देखेंगे, देखिए हमारी ढोकला इडली बिल्कुल बनके तैयार है। कितनी अच्छी लग रही है देखने में और कितनी फूल की आई है,
बहुत अच्छी रहती है, एकदम स्पंज बनती है। जब ये हल्की थोड़ी ठंडी हो जाए बाहर निकालने के बाद, आप 2 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए। जब ये हल्की ठंडी हो जाए, इन्हें हम इन प्लेट से बाहर निकालते जाते हैं, स्पून की मदद से चारों तरफ से घुमाते हुए इन्हें बाहर निकाल लेते हैं अच्छे से। सारी इडली इसी तरीके से हम अपनी ढोकला इडली जो है बाहर निकाल के रख लेंगे। ये हमने सारी इडली निकाल ली और ये देखिए आप, हमारा ढोकला इडली कितनी सॉफ्ट एकदम स्पंजी बन के आई है। ये आप देख सकती है बिल्कुल प्रेस हो जाती है, बिल्कुल ही कितनी स्पंजी बन के आई है ये। अब हम बाकी बची ढोकला इडली तैयार करेंगे। उसके लिए हम बाकी जो बचा हुआ हमारा बैटर था, वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके हम बैटर निकालते हैं जितनी उसमें बन सके, फिर थोड़ा हम उसमें सोडा डाल देते हैं। इससे क्या होता है, आपकी इडली हर बार आप डालते हैं तो अच्छे से फूल के आती है और बन के आती है। आप एक बार में पूरा डाल देंगे तो वो, जब तक आप पहली स्टैंड में आप इडली बनाएंगे तो जब दूसरे बार का नंबर आएगा तो वो ख़राब हो सकती है। इन्हें अच्छे से हम ऑयल लगाते हुए फिल कर लेते हैं सारे स्टैंड को, फिर दोबारा से इन्हें गैस पे रखते हुए 15 मिनट के लिए ही मीडियम गैस पे हम इन्हें पका लेते हैं, और फिर गैस बंद करने के बाद 5 मिनट के लिए ढके रहने देते हैं। उसके बाद हम इसे खोल के देखते हैं और ये देखिए हमारी ढोकला इडली बन के बिल्कुल तैयार है और एकदम स्पंजी बन के आती है, एकदम फूल के आती है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। इन्हें भी हम इस प्लेट से निकाल लेते हैं थोड़ा ठंडा होने के बाद। ये देखिए हमारी सारी इडली, ढोकला इडली जो है हमने इस तरीके से बना ली, कितनी स्पंजी सॉफ्ट बन के आई है। ये आप खुद ही देख सकते हैं वीडियो में कितनी अच्छी लग रही है। अब हम इन्हें एक प्लेट में लगा लेते हैं और इधर अब हम एक पैन गैस पे गरम करने के लिए रख देते हैं। पैन जब हमारा गरम होने लगे, हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और ऑयल गरम होने देते हैं। ऑयल गरम होने के बाद हम इसमें थोड़ी सी राई डाल देते हैं और राई जब अच्छे से हो जाए तब हम इसमें कड़ी पत्ते डाल देते हैं, हरी मिर्च डाल देते हैं। हरी मिर्च को हमने पीसेस में कट कर लिया है, या वीडियो में देख सकते हैं जैसे हमारी ढोकला नॉर्मल ढोकले के ऊपर हम अच्छे से पानी बना, इसी टाइप का हम इसका पानी बना रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और पानी डालने के बाद इसमें खदका आने देते हैं थोड़ा सा इसे मिक्स करते हुए, और इसमें हम शक्कर और डाल देते हैं। थोड़ी सी शक्कर डाल दो, कि हमने बैटर में बिल्कुल भी शक्कर नहीं डाली थी, तो हम इससे पानी में थोड़ी सी शक्कर डाल देते हैं और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से चलाते हुए इन्हें मिक्स कर लेते हैं। पानी को अच्छे से खदकने देते हैं, पानी में अच्छे से बॉयल आने देते हैं। ये देखिए हमारे पानी में जो है बिल्कुल अच्छे से बॉयल आ गई है। हम गैस को बंद कर देते हैं और 1 मिनट के लिए पानी को ठंडा होने देते हैं। फिर जब पानी हमारा 1 मिनट के लिए ठंडा हो जाए, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा ठंडा हो जाए, हम इस पानी को ले जाते हैं चारों तरफ फैलाते हुए अपनी जो ढोकला इडली हमने बना के तैयार की है उसके ऊपर डालते जाते हैं। वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से इन पर डाला है, चारों तरफ अच्छे से हम इसे डाल देते हैं और इसी तरीके से हमारी ढोकला इडली बनके तैयार है। उम्मीद करती हूँ ढोकला पसंद आया होगा। अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।